हर पत्तों में दो या तीन माइट्स को देख पा रहा हूँ, और कहीं कहीं कुछ पत्तों में ये 6 और 7 के आसपास है। ये देखो आप, ये माइट्स है जो मूव कर रहा है। और ये पत्ते जो है मैंने कल शाम को अपने बगीचे से लाए थे, और रात को मैंने इनको रखा, और अभी जैसे ही मैंने इनको धूप में निकाला, ये अब काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जितना फोकस कर पाएंगे इसमें उतना ही आप माइट्स को देख पाएंगे इसमें। तो ये जो है बहुत तेज़ी से अब मूव कर रहे हैं। नमस्कार बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा जो ये मकसद है वीडियो बनाने का, वो ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने माइट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको उसमें दिखाया था कि मेरे ऑर्चर्ड में माइट का अटैक हो गया था, जिसमें कि मैं 3-4 इंसेक्ट हर लीफ में देख पा रहा था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मैंने उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया था। मैंने उसके ट्रीटमेंट के लिए 200 लीटर पानी में HMO 2 लीटर का घोल बनाया था और उसका छिड़काव किया था, और उसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मैं देख पा रहा हूँ। और अब मैं अपने बगीचे में किसी तरह का भी माइट नहीं देख पा रहा हूँ। पत्ता बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ़ है, आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। आज बहुत अच्छी धूप खिली है, तो फिर हम उसको अच्छे से देख सकते हैं कि पत्ते जो बिल्कुल फ्रेश है और बहुत अच्छे खिले हुए हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंडों पे जो है, जो ये माइट के अंडे, उस पर बहुत अच्छा काम करता है ये HMO। अगर बहुत ज़्यादा आपके इंसेक्ट हो जाए या अडल्ट्स हो जाए, तो उस पर फिर मुझे लगता है उतना अच्छा काम ये नहीं कर सकता। फिर भी 3-4 अगर इंसेक्ट हर लीफ में है, उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं और भी आपको पत्ते दिखाना चाहता हूँ, जहाँ भी नज़र लगाओ आप ये देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी इंसेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो ये जो HMO की स्प्रे होती है, ये आप अब ना करें, क्योंकि इसकी जो स्प्रे है वो मई में, स्टार्टिंग मई में कर लेनी चाहिए। अब जो है फ्रूट काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो जो विशेषज्ञों की सलाह है कि जितना बड़ा सेब हो जाता है, फिर इसको नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि अगर हम माइट पे कंट्रोल करना चाहते, तो ये बहुत ही बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल साफ। और मैंने डॉक्टर से बात की थी इसके रिगार्डिंग, ये जो HMO है, ये बहुत अच्छा प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और साथ ही साथ पाउडरी मिल्ड्यू पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहा इसका। और आप कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप देखेंगे पत्ता बिल्कुल साफ। जब पत्ता बिल्कुल साफ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं, क्रॉप भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ इस प्लांट की, ये लगभग 40 या 45 के बीच में है, और बहुत अच्छी क्रॉप है इसमें। तो धन्यवाद।